सो हे गाइज, वेलकम है आपका मेरे एक और एक्साइटिंग वीडियो में। एंड दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है एक ईयर ड्रॉप, जिसमें आज हम लोग देखते हैं अंदर में क्या निकलने वाला है। वैसे आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे और वीडियो का टॉपिक से समझ ही गए होंगे इसके अंदर क्या आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है पबजी मोबाइल ट्रिगर्स, जो कि सपोर्ट करते हैं 4 to 6 फिंगर्स। अब यह इसमें खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप देख सकते हो। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगवाया है, मुझे इसकी ऑलमोस्ट प्राइस पड़ी है 1200 रुपीज़। तो ये सस्ता ट्रिगर नहीं है। हम लोग जो नॉर्मल ट्रिगर यूज़ करते हैं वो होता है 200-250 रुपये का, और वो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का होता है। मगर ये जो ट्रिगर है ये प्योर बना हुआ है हार्ड प्लास्टिक से, एंड इसमें अंदर में रबर दिया हुआ है जिससे हमारे फ़ोन को कोई भी डैमेज नहीं होगा। और इसमें मेटल भी यूज़ किया गया है ताकि कुछ भी टूटे ना। जो आप देख सकते हो जो ये एक्सपैंड हो रहा है ये भी बहुत ही सही है, और जो क्लिक है ये भी मेटल का ही बना हुआ है। तो इससे आपका बोल सकते हो कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब कि सेफ़ रहेगा, क्योंकि अंदर में रबर यूज़ किया गया है और बाहर में मेटल यूज़ किया गया है। इससे होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और टूटेगा भी नहीं। अब जो नॉर्मल ट्रिगर्स आते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, नॉर्मल सॉफ्ट प्लास्टिक के बने होते हैं और काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, मगर ये जो है ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। तो चलो, मेरे पास यहाँ पे मेरा डिवाइस है, अब मैं इसे लगा देखता अपने फ़ोन में। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पबजी मोबाइल को पहली बात। तो अब पबजी मोबाइल जब तक ओपन हो रहा है तब तक पहले मैं अपने वाईफाई सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का वाईफाई जैसे कनेक्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अपने बात करते हैं ट्रिगर्स के बारे में। और दोस्तों, ये ट्रिगर मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से ऑलमोस्ट अबाउट 1200 रुपीज़ का। अब इसकी प्राइस कम होती कि नहीं होती मुझे तो नहीं पता, बट पहले ज़्यादा थी, पहली थी 1500 रुपये, अभी 1200 रुपये हो गए, तो मैंने सोचा मंगवा लूँ। वैसे ये ट्रिगर मेरा नहीं है, ये मंगवाया मेरे दोस्त ने, क्योंकि उसे ट्रिगर यूज़ करना था। तो उसने मुझे पूछा कि यार कौन सा बेहतर रहेगा, तो मैंने उसे ये रेफ़र किया था। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिगर मैंने इसलिए उसे रेफ़र किया क्योंकि जिन लोगों को ट्रिगर यूज़ करना है, क्योंकि मैं ट्रिगर यूज़ नहीं करता हूँ और मैं ना ही ट्रिगर पसंद करता हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं खुद 4 फिंगर क्लॉक खेलता हूँ। और मैं अगर ट्रिगर यूज़ करना चाहूँ भी तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हैबिट बन चुका है 4 फिंगर में। और ये जो आपका ये काम करेगा 6 फिंगर का, यानी कि आप अपना लेफ़्ट थंब से स्क्रॉल करोगे, मतलब कि जो जॉयस्टिक है उसको मूव करोगे, राइट थंब से अपना जो स्क्रीन को मूव करोगे, और ऊपर में लेफ़्ट जो फर्स्ट फिंगर है उससे आप देख सकते हो यहाँ पे पीक एंड फायर यूज़ कर सकते हो, और स्कोप इन एंड फायर भी यहाँ से कर सकते हो। तो एक तरह से बहुत आसान हो जाएगा जब आप सीख जाओगे ट्रिगर को अच्छे तरह से यूज़ करना। मतलब सीखना नहीं है आपको, बस अपना मसल पावर बिल्डअप करना है, क्योंकि मसल पावर बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है स्टार्टिंग में। मतलब कि हार्ड नहीं होता, ईजी ही होता है, बट दिक्कत ये होती है कि आपको बहुत सारे गेम्स खेलना होता है, आपको याद रखना पड़ता है। तो मुझे इसमें स्टार्टिंग में दिक्कत ये आती है ना, अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं TDM खेला हूँ, तो मैं दिक्कत यहाँ पे ये आती कि मैं भूल जा रहा हूँ कि कौन सा बटन किस लिए है। फॉर एग्जांपल कि लेफ़्ट वाला मैं पीक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे याद आया कि मुझे फायर करना है, तो मेरा बार बार पीक दब जा रहा है। तो ये दिक्कत स्टार्टिंग में आएगी, क्योंकि मैं अभी पहली बार अपने ज़िंदगी में पहली बार खेल रहा हूँ यहाँ पे ट्रिगर से, मैंने इससे पहले ट्रिगर से कभी ज़िंदगी में नहीं खेला था। तो मैं 4 फिंगर क्लॉ यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसी की हैबिट है। एंड सीधी सी बात है कि आप जब 4 फिंगर क्लॉ खेलते हो तो आप ट्रिगर से नहीं खेल पाओगे, अगर आप चाहते हो खेलना तब भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब खेल रहा हूँ। बाय द वे, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, मैं गेमिंग वीडियोस ही बनाता हूँ, उसमें मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत ही गंदा मर रहा हूँ। रीज़न बस ये कि मैं बार बार पीक एंड फायर ओपन हो जा रहा है जब मुझे करना है शूट। मैं स्कोप इन करना चाह रहा हूँ पर वो हो नहीं पा रहा है। हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, मैंने सोचा ये कि मैं अभी तक लर्न कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कैसे सीखना है, क्योंकि ट्रिगर मुझे यूज़ करना आता नहीं है। तो अब दोस्तों, अगर आपको ट्रिगर लेना है बेहतर सा, तो मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कम्पिटेटिव नहीं खेलते हैं, बस शौकिया तौर पे पबजी खेलते हैं। तो अगर भी आपको भी पबजी खेलना है शौकिया तौर पे ही, तो आप ये ट्रिगर परचेस कर सकते हो। मैं मानता हूँ हल्का सा कॉस्टली है, बट जब 250-250 रुपये का सामान खरीदते हो, 400 रुपये का ट्रिगर भी आता है, बहुत लोग 400 वाला ट्रिगर खरीदते हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। एंड वो 2 फिंगर के लिए ही होता है, यानी कि पीक एंड फायर में लगा सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्कोप इन, या फिर किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट ये ट्रिगर की खासियत ये कि ये पहली बार तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, सब सामान जो बना हुआ है वो बना हुआ है मेटल से और हार्ड प्लास्टिक प्लस रबर से बना हुआ है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी है और कोई भी सस्ता नहीं है। पहली बात तो सस्ता सामान जब नहीं होगा तो आप खुद जानते हो कि महंगा अगर सामान होगा तो क्वालिटी भी हाई ही होगी, जो सीधी सी बात है। ये देखने में सिंपल लगता है मगर एकदम सिंपल है नहीं, बहुत ही कम्फी है, बहुत ही आरामदायक है, आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। तो बस ये आज की वीडियो में बस यही था, आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई परचेस करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो बस ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरा मॉन्टेजेस देखना मत भूलना, मैंने बनाया हुआ है।